नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। मोदी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए देश के उन हाईवे की सूची तैयार कर ली है जिन्हें आपात स्थिति में फाइटर जेट हेतु रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। खबर यह भी है कि इन हाईवे को चिन्हित करके इन पर फाइटर जेट रात्रि में अभ्यास भी कर रहे हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, मगर सूत्रों की माने तो भारत की जाबाज सेना चीन को छठी का दूध दिलाने के लिए तैयार है। नब से लेकर जल थल तक चीन की घेराबंदी कर ली गई है। मिली सूचना के मुताबिक लद्दाख और तेजपुर में भारत का लेजर वेपन काली पहुंच चुका है जो चीन के किसी भी फाइटर जेट को जद में आते ही भस्म कर डालेगा। बड़ी बात यह है कि काली के लघु संस्करण को कुछ फाइटर जेट पर स्थापित किया जा चुका है जो बिना किसी मिसाइल के ही चीन में भारी तबाही मचा सकते हैं। दरअसल काली को बड़ी मात्रा में एनर्जी उत्पन्न करने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए फाइटर जेट के बड़े इंजन काली की जरूरत के मुताबिक बिजली उत्पन्न करने में कारगर है। यानी भारत की इतनी बड़ी तैयारियां किसी भीषण टकराव का संकेत दे रही है जो केवल लद्दाख तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। पूरी लाइन एक्चुअल कंट्रोल पर बड़ी तादाद में सेना का जमावड़ा और आधुनिक हथियारों को मैदान में उतारने से यही लगता है कि अब जंग का बिगुल बजने में बस एक कदम ही शेष है। कल रात देश के कई हाईवे पर भारतीय वायुसेना ने अपने फाइटर जेट से रिहर्सल की है। यह अभियान बेहद ही गोपनीय तरीके से किया गया। इन हाईवे को रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया था। यहां तक कि मीडिया को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। इस रिहर्सल में सुखोई मिराज और जगुआर फाइटर जेट ने हिस्सा लिया है। बताया जाता है कि वायुसेना ने इन हाईवे पर सफल लैंडिंग के बाद इन्हें रनवे के रूप में अनुकूल पाया है। अब चीन से संघर्ष की स्थिति में वायुसेना इनका इस्तेमाल कर सकेगी। सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए तत्काल प्रभाव से वायुसेना कर्मियों की छुट्टी भी रद्द कर दी है। उन्हें अपनी ड्यूटी पर लौटने का हुक्म दिया गया है जिससे मामला कहीं ज्यादा गंभीर होता दिखाई पड़ रहा है। पर लोगों के दिमाग में अभी भी सवाल यही है कि यह सब कवायद भारत अपने बचाव के लिए कर रहा है या फिर अपने 20 जवानों की शहादत की वजह से भारत कहीं ज्यादा आक्रामक है। दरअसल पूरी स्थिति को समझने के लिए एलएसी के पार मौजूद चीन को जानना कहीं ज्यादा जरूरी है। भारत ने अपने जवानों की क्षति को दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है जबकि चीन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसके पीछे असली वजह यही है कि चीन के भारी संख्या में सैनिक मारे गए हैं। उसके 45 से 56 सैनिक तक माओघाट पहुंच चुके हैं। चीन का कम नुकसान होता तो अब तक उसने पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट डाला होता। यकीनन इतनी बड़ी तादाद में अपने सैनिक गंवाने के बाद उसका दिमागी संतुलन जरूर बिगड़ा होगा। यह कितना बिगड़ा है इसका आभास तिब्बत एयरबेस और गिलगित बाल्टिस्तान के स्कार्दू एयरबेस पर चीनी फाइटर जेट की गतिविधियों से दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि चीन भी भारत से बदला लेने के लिए छटपटा रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में भी गुस्सा काफी हद तक बढ़ा हुआ है जबकि भारत भी अपने 20 जवानों के बलिदान का बदला लेने का प्रण दोहरा चुका है। यानी आग दोनों ही तरफ धधक रही है। दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे के रक्त की प्यासी हो चुकी है जिससे मामला वहां तक पहुंच गया है जहां से वापस लौटना अब इतना आसान नहीं रह गया है। मतलब चीन पीछे पलटा तो दुनिया में उसकी किरकिरी होना तय है और भारत का तो पीछे लौटने का सवाल ही नहीं उठता है। इसका साफ मतलब है कि दोनों देश में जंग की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि समुद्र से आकाश और धरती पर दोनों देश अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे हैं। पर खास बात यह है कि यह जंग केवल भारत और चीन के बीच ही नहीं लड़ी जाएगी बल्कि यह विश्व युद्ध का स्वरूप बनती जा रही है। खासतौर से पाकिस्तान ने चीन को इस स्कार्दू एयरबेस पर आमंत्रण देकर इसकी शुरुआत कर दी है। यानी पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के पक्ष में खड़ा हो गया है। उसने काराकोरम हाईवे को भी चीन को सौंप दिया है। बड़ी बात यह है कि चीन ने इन इलाकों में पाकिस्तान के किसी भी नागरिक के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस स्कार्दू एयरबेस पर चीन ने 10 J-10 फाइटर जेट तैनात किए हैं जहां से वह भारत पर प्रहार करने की रणनीति बना रहा है। उसके जवाब में भारत का लेयर बेस भी पूरी तरह तैयार है। भारत और चीन द्वारा अपनी अपनी वायु शक्ति को साधने की कोशिशें यही जाहिर करती है कि इस टकराव में एयरफोर्स की बड़ी भूमिका होने जा रही है। हालांकि भारतीय नेवी ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जो चीन की रीढ़ एक ही झटके में तोड़ देगा। भारतीय नेवी मलक्का में चीन का रास्ता रोकने में पूरी तरह सक्षम है। इसी समुद्री रास्ते से चीन की 80% आपूर्ति होती है। यह एक प्रकार से चीन की लाइफलाइन कही जाती है। यहां भारत बेहद ही मजबूत स्थिति में डटा हुआ है। किसी भी संघर्ष की स्थिति में इंडियन नेवी का पहला निशाना यही बनने वाला है।
जबकि चीन के पास ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां से भारत की आपूर्ति को वह बाधित कर सके। वैसे दुनिया की कई रिसर्च संस्थाएं चीन को पहले ही चेता चुकी है कि भारत उस पर 21 पड़ने जा रहा है। चीन के वश में भारत को किसी भी मोर्चे पर मात देने का दम नहीं है, इसलिए भारत को हल्के में लेना चीन के लिए आत्मघाती साबित होगा। पर चीन की हालत मरता क्या ना करता वाली हो चुकी है और भारत उसकी इसी व्यवस्था का फायदा उठाने के लिए 1962 की हार का बदला लेने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर चुका है। बस सेना को मोदी के उस अंगूठे की हरकत की प्रतीक्षा है जिसका इशारा मिलते ही चीन का टेंटवा दबा दिया जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।